हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट वेलकम रोड एंड अप्रोच वायडक्ट पे एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि हमारा पिछला पोस्ट देखा था आपने कि हमारा जो मेगा ब्लॉक में रिलेटेड माइनर ब्रिज है, हमारा ताड़ी घाट से लेकर सोनवली स्टेशन तक का, उसकी अपडेट देंगे हम आपको। तो हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, हमारा पहला माइनर ब्रिज है ताड़ी घाट से 7000 चैनेज पे। इसका बॉक्स दोनों साइड का कंप्लीट हो चुका है और इसके जो साइड के रिटर्न वाल हैं, ये देख सकते हैं सामने नीचे जो है यह RHS साइड है हमारा, वो इसका शेयर की है। शेयर की के बाद इसकी राफ्ट कास्टिंग होगी, राफ्ट के बाद इसके चार लिफ्ट की वाल उठेगी, उसके बाद ये बॉक्स के लेवल तक आ जाएगा। और उस साइड देख सकते हैं आप, ये हमारा राफ्ट और शेयर की हो चुका है और इसका हमारा फर्स्ट लिफ्ट का वाल कास्टिंग हो चुका है। अब आपको LHS साइड में ले चलते हैं। LHS साइड में भी देख रहे हैं हमारा शेयर की हो चुका है ताड़ी घाट इंड का, और इसके वाल की दो लिफ्ट हो चुकी है, थर्ड लिफ्ट की रेनफोर्समेंट का वर्क चल रहा है। और आगे आप देख सकते हैं जो हमारा सिटी इंड और दिलदार नगर इंड है, उसका एक्सिबिशन अभी बाकी है क्योंकि वहाँ पे अप्रोच नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कटिंग करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो और सामने चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस साइड का जो RHS साइड का है, उसका राफ्ट अभी बहुत जल्द कास्ट हुआ था और उसकी फर्स्ट लिफ्ट कल कास्टिंग हुई है। और ये देख सकते हैं हमारा जो ये लेवल देख रहे हैं अपना जो टॉप लेवल है, उस टॉप लेवल से, स्लैब के टॉप लेवल से इसका जिस लेंथ में यहाँ पे GSB फिलिंग और बोल्डर पैकिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे मिट्टी का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा टच करके। इसके ऊपर से स्लीपर लेंग और वो रेल की पटरी निकाली जाएगी। ये देख सकते हैं सामने जो RHS का हमारा ये दिलदार नगर इंड है, उसके रिटर्न वाल की फर्स्ट लिफ्ट है, इसकी डिसटरिंग का वर्क चल रहा है जो कि कल कास्टिंग की हुई थी। और ये देख सकते हैं हमारा जो 7000 से 7200 का जो मिट्टी के अप्रोच का वर्क है डबल लाइन के लिए, वो भी चल रहा है। अब चलते हैं आगे, आगे देख सकते हैं आप, ये हमारा 7200 का माइनर ब्रिज है। पहला जो हमारा 7000 माइनर ब्रिज था उससे 200 मीटर आगे, इसलिए इसको 7200 मार्क किया गया है। 7000 में आपने देखा होगा जो परपेंडिकुलर वाल थी, रिटर्न वाल थी, और यहाँ पर विंग वाल है, तो इसके स्लैब और वाल सब कास्ट हो चुके हैं बैरल के। और जो हमारा इस साइड का है, ये देख सकते हैं LHS इंड का है, पहले LHS दिखा देते हैं आपको। LHS में आप देख सकते हैं हमारा जो विंग वाल का शेयर की है दोनों साइड का हो चुका है और राफ्ट का रेनफोर्समेंट बन रहा है। एक तरफ राफ्ट की शटरिंग भी लग रही है, कल इसकी कास्टिंग करनी है वन साइड की। ये देख सकते हैं बॉक्स हमारा, ये देख सकते हैं पूरा, और ये देख सकते हैं जो शटरिंग लगा रहे हैं वर्कर, कल इसकी कास्टिंग होनी है वन साइड की, उसके बाद इसके वाल की लिफ्ट की जाएगी। और ये देख सकते हैं साइड में जहाँ पे मिट्टी का वर्क होना है जहाँ तक, उससे पहले ये GSB और बोल्डर पैकिंग का वर्क चल रहा है। और RHS साइड में आप देख रहे हैं, RHS साइड में जो हमारा शेयर की है और राफ्ट है वो हो चुकी है, और वाल की दो दो लिफ्ट कास्ट कर दी गई है, और विंग वाल की जो हमारी शेप है देख सकते हैं आप, यहाँ से डाउन रहेगी और टॉप तक स्लैब तक मिला दी जाएगी। ये यहाँ से लेके इसी तरह एनफोर्समेंट जैसे शेप में छोड़ा हुआ है, उसी शेप में कास्टिंग होनी है। और वो हमारा ताड़ी घाट इंड का भी सेम वही पोजीशन है, दोनों की राफ्ट वाल और सेकंड लिफ्ट हो चुकी है। अब आपको ले चलेंगे हम 7500 पे, जो कि यहाँ से 300 मीटर दूर है, और उसके लिए यहाँ पे मिट्टी का जो वर्क देख सकते हैं आप, बर्म बनाया गया है डबल लाइन के लिए, वो यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए चलते हैं 7500 पे। ये सामने आप देख रहे हैं ये 7500 है, तब तक मैं आपको इधर से बैक का नज़ारा दिखा देता हूँ। 7200 से लेकर 7500 तक जो मिट्टी का काम है कहाँ तक हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसका सिंगल ट्रैक तक का मिट्टी का काम पूरा कंप्लीट है और डबल का वर्क चल रहा है, और उस पर टर्फिंग भी कर दी गई है साइड से। ये है 7500 माइनर ब्रिज, इसके देख सकते हैं बॉक्स भी कम्प्लीट है और रिटर्न वाल भी कम्प्लीट है इसकी, और इसके पीछे जो बोल्डर पैकिंग और GSB फिलिंग है वो कम्प्लीट हो गई है। अब इसमें मिट्टी का काम बाकी है, दोनों साइड मिला देंगे, ये ब्रिज हमारा चालू हो जाएगा। और इसके LHS में देख रहे होंगे आप, ये टो वाल है बोल्डर पैकिंग का वर्क, RR मशीनरी जिसको बोलते हैं, ये टो वाल है मिट्टी सपोर्ट के लिए, उसका वर्क किया गया है। तो दोनों साइड का ब्रिक RR मशीनरी का वर्क कंप्लीट हो गया है, और अभी RHS साइड का एक्सप्रेशन और RR मशीनरी का वर्क बाकी है, बाकी यहाँ सब कंप्लीट है।
इस ब्रिज को हम चालू कर सकते हैं मिट्टी भरने के बाद। ये देख सकते हैं हमारा उधर का लेफ्ट साइड का, जो आज ही शाम को हमारी इसकी कंप्लीट हुई है इसकी ज्वाइनिंग का काम। ये देख सकते हैं इसकी ज्वाइंटिंग हो चुकी है पूरे बोल्डर आर आर मेसनरी की। इसको टो वाल बोलते हैं हमने ड्राइंग में, ये टो वाल है। और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा सोनवाल साइड का एंड है, इसमें भी बोल्डर पैकिंग और जीएसबी हो चुकी है फिलिंग। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 7500 से 7950 तक का मिट्टी का वर्क। अभी आपको ले सकते हैं हम 7950 पैनल मिट्टी और दिखाते हैं वहाँ का क्या अपडेट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं 7950 पे, 7950 से लेकर 7500 तक जो मिट्टी का वर्क है वो आपको दिखा दूँ पैक करके। ये देख सकते हैं मिट्टी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और यहाँ पे टर्फिंग भी कर दी गई है दोनों साइड की। ये एक पुराना बरगद का पेड़ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसका जो एलएचएस का एंड का 6 मीटर का बैरल था वो अप्रोच खाली होने की वजह से हमने इसको कर दिया था। और उस साइड जो हमारा मेगा ब्लॉक जिसके लिए रिक्वायरमेंट है वो रेल की पटरी उखाड़ी जाएगी, उसके बाद इसको ब्रिज को कर पाएंगे हम। तो 1 तारीख से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेगा ब्लॉक स्टार्ट है, तो इसके लिए प्रिपरेशन किया गया है। और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ से लेकर टोटल इस एंड तक हमें पूरा बॉक्स बनाना है 20 मीटर लेंथ का, ये पटरी उखाड़ी जाएगी। अभी ट्रेन आ रही है, ये देख सकते हैं ट्रेन अभी निकली, ये पूरा बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा पोर्शन डिसमेंटल होना है। उसके बाद रेल की पटरी उखाड़ी जाएगी, फिर स्लीपर उखाड़ा जाएगा और यहाँ तक हमको बॉक्स बनाना है। आगे चलते हैं आपको लेके, इसके बैक से एक बार दिखाते हैं आपको ब्रिज का क्या स्टेटस है एलएचएस का। ये देख सकते हैं ये साइड में जहाँ पे हमारा मिट्टी का वर्क होगा ये सारा ब्लैक बिटुमिन पेंट किया जाता है, तो जो बॉक्स कंप्लीट है हमारा उसका ब्लैक बिटुमिन पेंट भी कर दिया गया है। और मेगा ब्लॉक में इसको फुल्ली कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब आगे चलते हैं हमारे अगले माइनर ब्रिज 8350 पे। तो ये दोस्तों 8350 पे हम आ चुके हैं, पिछली वीडियो में आपने हमारा देखा होगा इसकी डिसमेंटलिंग का वर्क चल रहा था और इसके दोनों साइड में जो हमारे 6 मीटर के बैरल थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जो एग्जिस्टिंग माइनर ब्रिज था उसके डिसमेंटलिंग के लिए और वो कैनल साइड वाले पोर्शन के लिए जो हमारा ब्रिज है उसकी डिसमेंटलिंग के लिए रुका हुआ था वर्क, अब मेगा ब्लॉक में उसको डिसमेंटल करने का टारगेट मिला था हमको, तो हमने ऑलरेडी इसको डिसमेंटल कर दिए हैं। और 1 तारीख से इसमें फुल स्पीड में काम किया जाएगा, 20 से 25 आदमी की टीम डे नाइट वर्क करेगी इस पर। ये देख सकते हैं सामने पूरा ब्रिज डिसमेंटल कर दिया गया है, बीच वाला पोर्शन बचा है, जो कुछ रेनफोर्समेंट है उसको कट करके रेनफोर्समेंट को बाहर कर लिया जाएगा, उसके बाद मशीनरी और के साथ उसको बाहर निकाला जाएगा डेब्रिज को। ये देख सकते हैं बाकी जो हमारा पैसनल पोर्शन बचा हुआ था वो सब डिसमेंटल कर दिया गया है। और यहाँ से हमारा 8350 से लेकर 9200 का स्टेटस आपको ऑलरेडी पता है, हमने जीएसबी सब फाइनल कर दिया गया है और जो हमारे ब्लैंकेट हैं वो भी स्प्लिट कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब हम आ गए हैं 9200 जो कि हमारा लास्ट माइनर ब्रिज है इस प्रोजेक्ट का। ये देख सकते हैं उसके बॉक्स जो है हमारा 16 मीटर का कंप्लीट हो चुका है, उस साइड में भी 16 मीटर का कंप्लीट हो गया है। और ये 11 मीटर का जो हमारा पोर्शन है वो हो रहा है, उसकी स्लैब भी 2 दिन में कास्ट कर दी जाएगी। जो बीच में बैलेंस पोर्शन बचा हुआ है हमारा 7 मीटर 200 का, ये वो लेंथ है, इसको भी मेगा ब्लॉक में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका रेनफोर्समेंट कटिंग बाइंडिंग कहाँ से चालू हो गया है और एक टीम इसके लिए अलग से मोबिलाइज की गई है, हर एक माइनर ब्रिज के लिए हर एक टीम लगाई गई है अलग अलग सी। और ये देख सकते हैं इसका एलएचएस एंड। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा माइनर ब्रिज का लेटेस्ट अपडेट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद जय भारत।